कविता थपलियाल कमौटी में कमाई के टिप्स देने के लिए हम फिर आ गए हैं लेकर अपना खास शो कमौटी कॉल, जिसमें हम आपको सभी एग्री और नॉन एग्री कमौटी को बताते हैं कमाई के तरीके, साथ ही कमौटी बाजार की हर खबर से रखते हैं आपको अपडेटेड। आप क्या करें इस वक्त कमौटी बाजार में, जानने के लिए तुरंत फोन करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे कमौटी से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं बोनांजा कमोडिटीज के विभु रत्नधारा और गोवंशी कमोडिटीज के जगदीप गरेवाल। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। शुरुआत करते हैं जीरे में, आज भारी उठापटक देखने को मिली है। दिन के कारोबार में बढ़त दिखाने के बाद वायदा में जीरा अब दबाव में आ गया है। हालांकि लगातार ये 12,000 रुपए का लेवल होल्ड कर रहा है। आपको बता दें कि इस साल जीरे के एक्सपोर्ट में करीब 40% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में आज इस स्तर पर जीरे में आपको क्या करना चाहिए? बात करते हैं यहाँ पे जगदीप गरेवाल जी से। जगदीप जी, जीरे में हम देख रहे हैं कि 12,000 का लेवल जो है इसने काफी स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, क्या वजह है इस चाल के पीछे? जीरा आपने देखे लगातार 2 साल से लगभग जो है ये डाउन ट्रेंड में ही चले जा रहा है, और इस साल जो इसके भाव देखते हैं एक बार तो 10,000 के नीचे तक जो है स्पॉट मार्केट में इसने देखे हैं भाव, तो उसके चलते रुझान थोड़ा सोइंग की तरफ इसका कम रहेगा, फार्मर का ये जो है अनुमान है। बट अभी तक के जो आंकड़े हैं उससे लगता है लेकिन खास मोटा कोई डिफरेंस पड़ेगा, जो कि कैरियर प्लस प्रोडक्शन जो होगा उसको लेके अपने को कोई चिंताजनक स्थिति या किसी ऐसी स्थिति में पहुंचे कि अपने को कमी पड़े। साथ के साथ जो अपने 40% एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बात है उसके सामने अपन टोटल अवेलेबिलिटी पिछले साल की देखें तो 5,00,000 टन के प्लस रही होगी, और अपनी डिमांड और एक्सपोर्ट्स दोनों को मिला लें तो भी जो है अपने 3.5 लाख टन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मतलब इस बार भी जो है अपने पास कैरी ओवर नहीं तो 1.5 लाख टन के ऊपर का होना चाहिए, और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर अपने को 20% कम भी मिलता है प्रोडक्शन तो भी 3 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन रहेगा, तो 4.5 लाख टन की अवेलेबिलिटी इस बार भी रहेगी। तो एक सेंटिमेंटल वीक तरीके से जो है जरूर इसके अंदर मजबूती दिखाई दे सकती है, और ये भी बोल सकते हैं कि कमोडिटी का अपना जो अभी एक वैल्यू बोले उस हिसाब से ये भाव पकड़ के रखे हुए हैं, कोई लंबी तेजी जो है यहाँ से दिखाई दे फंडामेंटली या चार्ट पे नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म में बात करें तो 12,500 और 11,900 ये एक लेवल है जिसके अंदर के ये ट्रेड करेगा, उस रेंज को क्लियर करता है मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर इसमें बना रहेगा। एक बार 12,500 के ऊपर उसको जो है सस्टेन करने के लिए प्रोडक्शन की तरफ से जो है अपने को नेगेटिव न्यूज आने हो तो ही जो है इसमें जो है 12,500 क्रॉस करके 13,000 के ऊपर के लेवल्स अभी हाल फिलहाल की कैलकुलेशन में दिखते हैं। बिल्कुल, लेकिन जितने तमाम फैक्टर्स जगदीप जी आपने यहाँ पर गिनाए हैं उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 12,000 को बहुत स्ट्रांगली जीरो ने होल्ड किया हुआ है, इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? इसके पीछे वजह तो जैसे आपने बताया दो है, एक तो अपने एक्सपोर्ट्स के जो आंकड़े बढ़ के आए हैं वो, और दूसरा अभी इसका सोइंग सीजन चल रहा है, इसके भाव कम चलते जो है फार्मर्स का रुझान इसकी तरफ इतना नहीं है, तो उधर के भी आंकड़े जो है अपने को लग रहा है कि कम ही आएंगे। अभी तक के जितने आए हैं कि 3,88,000 हेक्टेयर का जो है गुजरात गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, जो पिछले साल जनवरी तक लगभग 4,55,000 हेक्टेयर तक का था, तो देखे तो एक आंकड़ा जो है नेगेटिव है प्रोडक्शन की तरफ से, तो वो दोनों चीज जो है इसके भाव को भी टिकाए हुए है। यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि अगर 12,500 के ऊपर कीमतें जाती हैं तो 13,000 तक भी जा सकती है, ऐसे में नई फसल की आवक तो अभी फरवरी में होगी, रणनीति क्या बनानी चाहिए फिर, किन लेवल्स पर रणनीति बनानी चाहिए? अगर इंट्राडे की बात करें तो आज सेल रिकमेंड किया जाएगा एक लगभग 12,300-12,350 का स्टॉप लॉस सेट करके 11,900 तक जो है प्राइसेस वापस डिप डाउन करेंगे, 11,900 से नीचे ब्रीच करें तो अपने पोजीशन जो है सेल में बढ़ाएंगे। बाय के लिए मैं कहूंगा अभी वेट करें, 12,500 के क्लियर लेवल क्लियर करने के बाद ही जो है बाय रिकमेंडेशन रहेगी, अभी प्रेशर बनेगा इसमें। चलिए, तो यहाँ पे इंट्राडे के लिहाज से बिकवाली की रणनीति ही अपनाने की सलाह दी जा रही है। 12,300 या 12,350 आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे कीमतें 11,900 तक फिसल सकती हैं। अगर इस लेवल को ब्रीच कर दिया तो गिरावट हम और भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल खरीदारी की रणनीति ना बनाएं, गिरावट में आपको यहाँ पर बिकवाली की रणनीति ही जीरे में अपनाने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुलियंस की। कल की तेजी के बाद सोना और चांदी आज फिर से गिरावट की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से घरेलू बाजार में और
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देख सकते हैं 1% से ज्यादा की कमजोरी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1200 के नीचे अब हम देख रहे हैं सोना फिसल चुका है। चांदी की बात करें तो कल सोने से ज्यादा तेजी थी और आज हम देख रहे हैं गिरावट सोने से ज्यादा है, लगभग 2.5% की कमजोरी पर चांदी। घरेलू बाजार में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। दरअसल डॉलर के मुकाबले आज रुपए में मजबूती आई है, ऐसे में घरेलू बाजार में सोने और चांदी पर हम देख रहे हैं दोहरा दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या करें अब सोने और चांदी में और क्या चाल रह सकती है, जानते हैं विभू रत्नधारा से। विभू, ये बताएं कि सोना एक बार फिर से दबाव में आ गया है, इनफैक्ट 1220 का वो लेवल था जो कल छुआ था, उसके बाद आज फिर से 1200 के नीचे कीमतें पहुंच गई है। शाम तक हम और कितनी गिरावट देखेंगे? बिल्कुल, कल हमने देखा था कि एक अच्छा खासा हमने एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला था, एक या दो उसमें रीजन थे। कुछ यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का भी यहाँ पे एक उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव हमें बुलियंस पे देखने को मिला था। जापान जो नेगेटिव हुआ था उसका भी थोड़ा सा हमने सेफ हेवन के तौर पर बुलियंस के ऊपर बाइंग आते हुए देखा था। लोअर लेवल पे जो कि एक स्विस का जो हमने रिजल्ट देखा था उसके बाद ये एक लग रहा था कि शायद ये काफी लो लेवल बन चुका है, तो वहां से भी एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली थी। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो तीन जो रीजन है वो यहाँ पे कोई बड़ी तेजी की ओर इंडिकेट कर रहे हैं अभी भी बुलियंस के लिए। स्टिल रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जैसे हम बात कर रहे थे, चाहे हम जो फेड का इंटरेस्ट रेट का अभी भी जो 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 एक माइंड में एक सेंटिमेंट नेगेटिव बना हुआ है वो चीज भी अभी भी यहाँ पे हर्ट कर रही है। फिजिकल डिमांड हमें इतने लोअर लेवल पे भी देखने को नहीं मिल रही है। इनफेक्ट जो अदर असेट्स क्लास है, चाहे हम इक्विटीज मार्केट की बात करें या दूसरे मार्केट बॉन्ड की बात करें, वहां पे भी रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक अभी भी बुलियंस की ओर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो बिल्कुल कल एक काफी अच्छा है कुछ इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक में भी देखा था, बट स्टिल जो इंटरनेशनल की बात करें, जो 1245 का जो काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस बेल्ट है मीडियम टर्म का, वो ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि थोड़ा लंबा था बट वो ब्रेक नहीं हुआ था। और डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो यहां पर भी मुझे लग रहा है कि 27,150 काफी अच्छा रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक इन लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है मार्केट, तब तक मुझे लग रहा है कि बिल्कुल और आने वाले दिनों में डाउन साइड ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 26,450 से 26,100 की रेंज भी हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार हमें 1145 से 1150 की रेंज मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर गिरावट का रुझान ही बरकरार रह सकता है, फंडामेंटली तेजी की तरफ कोई वजह नहीं दिखाई दे रही है जहां तक सोने की बात है। लेकिन चांदी में हमने अच्छा खासा रनअप कल देखा था विभू, और आज गिरावट है यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5% की। यहाँ कीमतें आपको क्या 35,000 तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है? फिलहाल 35,860 तक के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे टेक्निकली चार्ट की ओर भी इंडिकेशन देखे तो उसमें भी अभी भी लग रहा है कि जो 38,000 का एक रेजिस्टेंस जो कैप बना हुआ है वो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा कल भी एक रेजिस्टेंस बना था, वहां से भी मार्केट ब्रीच नहीं कर पाया था। आज भी मुझे लग रहा है कि ये जो इंट्राडे की जो मूवमेंट है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि 36,500 का एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे अगर मार्केट ब्रीच होता है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल 36,000 और 35,100 का भी लेवल विद इन अ वीक हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पे कीमतों में दबाव रहेगा, दोनों ही बुलियन कमोडिटी में हम गिरावट की ही चाल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की आज की हॉट पिक्स। सबसे पहले जगदीप जी, आपकी आज की हॉट पिक्स क्या है? कोर जी कमोडिटीज की तरफ से मैं आरएम सीड में बाय और धनिया में सेल रिकमेंड करूंगा। आरएम सीड दिसंबर वायदा जो है 3900 के लेवल बाय कीजिए, 3945 जो है टारगेट रखिए, 3865 का जो है अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। वही धनिया जो है अपना 13,050 के लेवल पे सेल करेंगे, 12,750 का टारगेट रखेंगे और 13,250 का एक फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर सरसों में खरीदारी की रणनीति और धनी में बिकवाली की रणनीति आप सुझा रहे हैं, आपकी ये हॉट पिक्स है। विभू, आपकी हॉट पिक्स क्या है? सबसे पहले क्रूड में रहेगा, क्रूड दिसंबर हम 4,210 के नीचे सेल करके चल सकते हैं, 4,230 के स्टॉप लॉस से। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 4,150 से 4,100 की रेंज देखने को मिल सकता है। सेकंड होगा जिंक, दिसंबर में सेल रिकमेंडेशन होगा 137 के नीचे 138 के स्टॉप लॉस से। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 135.50 से 134.50 की रेंज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कच्चे तेल और जिंक में बिकवाली की रणनीति, ये दो कमोडिटीज हैं आपकी आज की हॉट पिक्स। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहे हमारे साथ।
अगले कॉल में अब हम देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं मेरिट से। वसीम हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार वसीम, सवाल क्या है आपका? जी नमस्कार मैम। मैम सवाल मेरा ये था, जो सुबह 1:08 बजे कॉल आई थी ना एक क्रूड की, ये जो ना 4280 का सेल था। ठीक है, तो आपने बिकवाले की रणनीति बनाई है 4280 के लेवल पर? जी मैम बनाई थी। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। विभु यहाँ पर इन्होंने 4280 के लेवल बिकवाली की रणनीति बनाई है कच्चे तेल में। जिस तरह का ट्रेंड है, आपको लगता है रणनीति यहाँ पर सही है? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो सेल की रणनीति है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। पोजीशन को मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए। जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगा दीजिए, ताकि आपको आगे अगर मार्केट यहाँ से बाउंस भी हो तो आपको उसमें लॉस ना लगे। मुझे लग रहा है कि उसको होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में 4210 का जो मैं लेवल दे रहा हूँ, उसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो बिल्कुल आपको 4150-4160 की रेंज भी इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो वसीम जी आपकी रणनीति बिल्कुल सही है, लेकिन आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे ट्रेड करें। 4150 तक के लेवल्स भी कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लातूर से प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार प्रमोद, सवाल क्या है? नमस्कार मैडम जी, सवाल सोयाबीन लिया था मैडम। आपने सोयाबीन लिया है, किस लेवल पर लिया है? 3401। कब तक बने रह सकते हैं प्रमोद? ये 20 तारीख तक लिया वाला है, दिसंबर महीने तक लिया वाला है। ठीक है जगदीप जी, जिस तरह से हम सोयाबीन का ट्रेंड देख रहे हैं, और खासतौर से अगर हम कल के ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनली भी हमने उछाल देखा था, जिस तरह के ड्राई वेदर का अनुमान जताया जा रहा है और सोइंग फिगर्स आ रही हैं यूएस से, आपको लगता है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा घरेलू बाजार में और कीमतें यहाँ से और आगे बढ़ेंगी? सोयाबीन तो पेट्रोलियम काफी जो है अपने ग्लोबल मार्केट को ट्रैक कर रहा है अभी, और उम्मीद है कि करेगा भी सही, जिस हिसाब से इसने इतनी साइड कमोडिटीज में जो गिरावट थी उसके बावजूद भाव पकड़ के रखा है। तो एक शॉर्ट कवरिंग दिसंबर वायदे में जरूर देखने को मिल रही है कि 3350 तक के लेवल्स इनको जो है शायद देखने को मिले, बट इनको जो है मैं एक 3245-3235 की रेंज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे आप 3235 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा प्रमोद। यहाँ पे 3350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग का सामना करना पड़े, जैसा कि जगदीप भी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें कानपुर से दिनेश गुप्ता ने SMS भेजा है, और इनका सवाल है चांदी पर 36500 पर शायद इन्होंने खरीदारी की हुई है विभु। तो चांदी में तो जैसे कि आपने भी मेंशन किया, यहाँ पे ट्रेंड डाउनवर्ड्स की तरफ ही है। 36500 पे इन्होंने खरीदारी की हुई है शायद, क्या स्टॉप लॉस के साथ आप इनको ट्रेड में बने रहने की सलाह देंगे? यहाँ पे रिकमेंडेशन सेम रहेगी कि एक जो भी एक ये करेक्शन मिल रहा है 36900 या 37100 के आसपास, वहां पे मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अभी भी देखेंगे तो एक डाउन का ही इंडिकेट हो रहा है। तो बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पे कर लेना चाहिए, समवेयर अराउंड 36900-37100 लेवल। ये लेवल आप कब तक आता हुआ देखते हैं विभु? बिल्कुल एक शायद इंट्राडे में जो हमने फॉल देखा है अब तक का, उसका एक छोटा सा हमें रिट्रेसमेंट या बाउंस बैक भी देखने को मिले, तो बिल्कुल इन लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपको इंट्राडे में ही अपने टारगेट शायद मिल सकते हैं, उछाल पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि जो ओवरऑल व्यू है वो गिरावट की ओर ही इशारा कर रहा है। 36900 या 37100 के लेवल अगर आपको मिल जाते हैं तो आप निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से रामप्रीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार, सवाल क्या है सर आपका? मेरा नाम गुहार पे है। आप निवेश करना चाहते हैं या कर चुके हैं? सर बिन्ने का डिबेट कर सकता हूँ। हाँ जी, एक बिन्ने के लिए 5300 आ जाएगा। अच्छा, जगदीप जी क्या लगता है आपको, गुहार में जिस तरह की हम तेजी देख रहे हैं, किस तरफ यहाँ पर कीमतें इशारा कर रही हैं? ग्वार के जो फंडामेंटल्स आप स्टडी करें तो आज के टाइम पे शायद किसी के पास भी इसकी टोटल सप्लाई की फिगर नहीं होगी, जिसके चलते जो है अपने ट्रेड में एक असमंजस बना हुआ है। और जो मोटा मोटी हिसाब लगाते हैं तो सप्लाई जो है जिस टाइम अनलॉक होगी, फार्मर्स के पास सबसे ज्यादा स्टॉक अभी भी पड़ा होगा, ट्रेडर्स के पास भी अच्छा खासा स्टॉक है। इस पर्टिकुलर कॉमोडिटीज में जो है अपने सेलर राइज की ही रणनीति रखे, अभी अगर कोई स्टॉक अपने पास तो उसको भी जो है इसमें बेच के हेज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बेच के हेज करने की सलाह दी जा रही है, यहाँ पर गिरावट का
रुझान को आज में बरकरार रह सकता है। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज के बारे में, बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक, आगे बढ़ते हैं कमोडिटी कॉल में। अब लेते हैं कानपुर से कुलदीप मिश्रा का सवाल। नमस्कार कुलदीप, सवाल क्या है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरा कॉल थ्री लॉट्स मेरा निकल पाई है 1006 के रेट पे। 1006 के रेट पे, मुझे बताएं कि आप कब तक बने रह सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट जब तक है। चलिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से विभू इन्होंने निकल में 1006 के लेवल पर पैसा लगाया हुआ है। किस तरह के फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं कंसिडरिंग चाइना का पीएमआई डेटा जो आ रहा है, और डॉलर हमने देखा कि खासतौर से कल के सेशन में वीक हुआ था, निकल के लिए क्या फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एक निकल ऐसा एक काउंटर बन रहा है बेस मेटल ब्रेक में, जो कि एक फंडामेंटली थोड़ा यहाँ पे स्ट्रांग बन रहा है। जैसे कि हमें पता है कि इंडोनेशिया का जो निकल और की बैंड है उसका यहाँ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड, यहाँ पे जो स्टील इंडस्ट्री की ओर से थोड़ी सी यहाँ पे डिमांड की खबरें जो हमें लास्ट मंथ में देखने को मिल रही थी उसका भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट निकल में पर्टिकुलर देखने को मिल सकता है। बट बिकॉज ऑफ की अदर बेस मेटल्स या रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल, चाहे हम चाइना की जो बात करें इकोनॉमी की या पीएमआई की या यूरोपियन यूनियन की बात करें या जापान भी जो कल डाउनटे डूबा है, जापान की भी जो आर्थिक मंदी की बात करें, ये चीजें बेस मेटल्स में थोड़ी सी मंदी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, जिसका मुझे लग रहा है कि निकल पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट आएगा। थोड़ा सा अगर आप लंबा स्टॉप लॉस रखो ना 985 का सॉरी, तो मेरे हिसाब से एक बार आप बने रहिए निकल में, बिकॉज फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि फिर से 1040 से 1055 की रेंज देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा अगर लंबा यहाँ पे व्यू अगर रख सकते हैं तो बिल्कुल फंडामेंटल की ओर देखते हुए आपको होल्ड करना चाहिए निकल को। कुलदीप, यहाँ पे 985 के स्टॉप लॉस को लगाइए और 1040 या 1055 के लेवल्स आप देख सकते हैं, लेकिन नजरिया शायद थोड़ा सा आपको लंबा रखना पड़ेगा निकल के लिए। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से रतनलाल हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार, सवाल क्या है सर आपका? हाँ जी, मैं मस्टर्ड के आउटलुक पूछ रहा था, अगले साल के लिए क्या आउटलुक रहेगा मस्टर्ड के? अगले साल के लिए क्या आउटलुक रह सकता है? करना चाहिए। बिल्कुल जगदीप जी, जैसे बताया इन्होंने इन्हें हेज करना है सरसों में, आपने अपनी आज की हॉट पिक दी है जहां आपने खरीदारी की रिकमेंडेशन भी दी है, लेकिन रतनलाल जी के लिए क्या राय निकल कर आ रही है आपकी? देखिए, मस्टर्ड का जो है एक ट्रेड ऐसा है जो काफी जो है अपने दूसरे ऑयल सीड से अलग चलता है। इस टाइम पे बाकियों को छोड़ के मस्टर्ड टिका हुआ है, ये जो एक डेढ़ महीना है यहाँ पे टिका रहेगा मस्टर्ड। मस्टर्ड आगे जाके जो है इतनी तेजी इसमें नहीं दिखाई देती, मतलब कि 4000 के ऊपर के लेवल्स जो है वो सस्टेनेबल जो है इसमें नहीं लगाए देते। तो नए प्रोड्यूस के लिए तो जो मैं कहूंगा कि टाइम के हिसाब से बाय करके हेज रखना चाहिए, बट जो पुराना प्रोड्यूस है उसको एक बार होल्ड कर सकते हैं अभी एक डेढ़ महीने के लिए। इसमें अभी थोड़ी गुंजाइश और बाकी, 4000 के लेवल्स जो है इसमें दिख सकते हैं अपने को, 4000 के लेवल्स यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल, जो तेजी हम देख रहे हैं वो टिक सकती है। आगे बढ़ते हैं, आगरा से कनिका शर्मा फोन लाइन पे है। नमस्कार कनिका, सवाल क्या है? नमस्कार जी, मैंने ना 2 NG 278 पर शॉर्ट बाय कर रखी है मैम। मुझे बताइए कब तक क्या करना चाहिए, कब तक और करंट लेवल पर क्या करना चाहिए? हाँ जी, कब तक बने रह सकती हैं आप नेचुरल गैस में? हाँ, मैं बनी रह सकती हूँ मैम अभी तो। ठीक है विभू, यहाँ पे कनिका की मदद हम कैसे कर सकते हैं? नेचुरल गैस की चाल हम जानते हैं काफी उतार चढ़ाव वाली है, और जिस तरह से कुछ खास क्यूज नहीं आ रहे हैं यूएस से जहां तक उनकी कोल्ड वेदर की बात है, सप्लाईज भी एम्पल हैं, 278 के लेवल पे उन्होंने खरीदारी की हुई है और कहती हैं कि बनी रह सकती हैं, क्या होगा इनका ट्रेड का नतीजा? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नेचुरल गैस एक, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कमोडिटी है वो काफी वोलेटाइल कमोडिटी मानी जाती है यहाँ पे, जिसमें कि मुझे लग रहा है कि रिस्क काफी ज्यादा यहाँ पे लंबा बन रहा है। अगर यहाँ पे जैसे कोल्ड वेदर की हम बात करें या फंडामेंटल की बात करें तो बिल्कुल सप्लाई यहाँ पे हुई है, बट आगे आने वाले दिनों के लिए जो एक वेदर प्रेडिक्ट किया गया था कोल्ड वेदर, उसका मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और भी इंपैक्ट नेचुरल गैस के ऊपर आ सकता है। इन्वेंट्री भी हम देख रहे थे कि पिछले 2 या 3 हफ्तों से बिल्कुल एक नेगेटिव हो रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि बिल्कुल डिमांड निकल के आ रही है नेचुरल गैस की। जो अदर एनर्जी पैक है जैसे कि क्रूड है, उसके जो प्राइस में दबाव देखने को मिल रही है,
उसका मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस को ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से नेचुरल गैस भी हमें काफी अच्छा एक डाउन साइड देखने को मिला हुआ है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहो तो मेरी राय रहेगी आप और भी थोड़ा यहाँ पे वेट कर लीजिए, 244 का एक सपोर्ट लेवल है उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आपको मेरे हिसाब से 252 से 257 की रेंज शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। अबाउट 270 की रेंज मुझे यहाँ से इमीडिएट प्रेडिक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि शायद देखने को मिले, तो बिल्कुल आपको अबाउट 257 जो भी रेंज मिले वहाँ पे एक बार एग्जिट करने की रिकमेंडेशन। चलिए कनेका, यहाँ पे आप 244 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 257 के ऊपर अगर आपको कोई भी लेवल मिलता है तो आप अपना निकल जाएंगे। फिलहाल तेजी काफी सीमित यहाँ पे नजर आएगी नेचुरल गैस में। इसी के साथ विभु आपका और जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। और कमोडिटी कॉल में इतना ही, लेकिन बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आगे हम लेकर आएंगे हमारी खास पेशकश अब उम्मीद बंधी। नमस्कार।